अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? से उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों के जी स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, मैं तो बस सुबह सुबह दौड़ लगने लगी, अब जाने लगी हूँ इनको स्कूल छोड़ने। तो चिड़ियों की देखें आवाज़ कितनी ज़बरदस्त आ रही है। तो बस सब आ गए हैं, अनम साहबा जो हैं वो भी अंदर ही हैं। तो चलो चलिए इन्हों छड़ के आइए, आज मेरे बड़े काम है। हाँ जी जी पहले सुबह छोड़ा बच्चों को स्कूल, फिर मेरे अपना एक मेरा काम था, मैं वहाँ पे गई हुई थी। तो मैं आई हूँ तकरीबन 12 बजे घर। घर आके सारी सफाइयाँ की, यहाँ से बर्तन शर्तन चूल्हा शुल्ला सारा साफ किया। ये देखें, ये मेरे मामू ने दिए थे बिस्किट है। मेरे मामू ना इस कंपनी में काम करते हैं, वो ना अपनिया भांडियाँ वास्ते है बिस्किट है वाले डाइजेस्टिव। तो ये हमारी अम्मी को भी बड़े पसंद थे, हमारे अब्बू जी को भी बड़े पसंद थे, हम लेके जाते होते हैं। मामू जी जो है ना वही लेके आते हैं, वही जो जाना है ना पाकिस्तान, तो हमारे जो मामू जाना है ना उनको पता होता है कि हमें जाना है, तो फिर वो ये बुक्स हमें भेजते होते हैं। खैर मैं तो पाकिस्तान ही चल रही, वैसे मेरे बच्चियाँ वास्ते मेरे लिए। तो कितने दिन हो गए हैं जी मेरी अब्बू जी से बात नहीं हुई, दिन तेने मैंने लादा महीना ही हो गया। तो चलें हम करेंगे सना के व्हाट्सएप पे फोन और करते हैं अब्बू जी से बात। ठहर जाओ, देखते हैं। देखो चुक देने के, वो भी किधर सुती ना हो। पाकिस्तान में दोपहर को भी सो जाते हैं सब। स्कूल गए ने, छुट्टियां सन, छुट्टियां हुई सन बच्चों नू हफ्ते दियां, ते बस हुन वापस चले गए ने स्कूल। अबू जी का फोन है। अच्छा, और की खादा जी आज? आज दतारी सी गोट पका सी। अच्छा अच्छा अच्छा, आज रोटी हो गई सारा पे। अच्छा अच्छा अच्छा, हां और तबीयत ठीक रहंदी जे ना? हां बस बिल्कुल मोरी होई। अच्छा चलो चंगा, रौनक लग जाएगी ताडे कोल। मैं अबू जी हले कह जावा, हले बड़ा मुश्किल, दिल ते मेरा बड़ा करदा पर मैं आवा। फिर वसीम नु जेड़ा उन्हां दा भी ते फिर ध्यान रखना ना, फिर नहीं छड़ के आ सकदी ना हुण। कोई नी, चलो ठीक है ठीक है। चलो अच्छा अबू जी, हाँ ध्यान रखियो अपना। ओके ओके जी, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। कोई नी कोई नी, अबू ने कहना की दुआ कर वसीम नु तंदुरुस्ती देन, फिर मैं अबू ने कहा फिर मैं आके 2-2 महीने रवानगी इंशाल्लाह। चलो सही है ठीक है फिर। ओके जी ओके, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। तो ये जी किया हुआ था मैंने अबू जी को फोन सना के व्हाट्सएप पे। तो बस बिजी रहती हूँ मैं, कभी मुझे टाइम, मैं देखूँ भी कि टाइम है तो मैं उनको फोन कर लूँ, तो वो सोए होते हैं। तो वो ही मुझे कह रही थी कि रोज तुम्हारा पूछते थे कि जबकि मेरे पास आए हैं कि तुम्हारा एक दफा भी फोन नहीं आया। बस कम मेरे अपने कार दे, वसीम दे, बच्चियां दे, नहीं टाइम मिला मुझे। मैं मुझे लगता है कि पता नहीं कितनी देर बाद अबू से बात हुई है, शायद महीने बाद ही। तो बस सुबह मैं उठती हूँ, सुबह घर के काम, फिर वो सुबह को भी सो जाते हैं, दोपहर को भी सोते हैं, शाम को भी जल्दी सोते हैं, जब मुझे टाइम मिलता है तो अबू जी सो जाते हैं। तो बड़े दिनों के बाद आज बात हुई। वेदर देखे, आज वेदर माशाल्लाह बड़ा ही नाइस है, बड़ा जबरदस्त। तो देखे शीशे के अंदर से हमारा फोन भी नजर आ रहा है। तो मैं आई हूँ जी अब बच्चों को पिक करने। तो देखें कोई गड्डी शड्डी तो नहीं आ रही, गड्डी आ रही है। बैठो बैठो अनम फातिमा। नो क्यों, क्या हुआ, आपने कुछ किया? कौन से किडनी? फिर बाजू टूट तो नहीं गया? चलो मूव हो रहा है, मूव हो रहा है। really hurts, and it's like stiff. ये देखें जी स्कूल में आज ना किसी बच्चे ने ईंट फेंक दी। It was like a brick, but it was like gray.
चलो अब्दुल्ला आप भी उतर ही थे नहीं मम्मो हाँ वो फम मारा उसने अगर आप किसी को ऐसे इतना हार्ट ही मारो उनका हार्ट ऑफ उनका हार्ट फुल ऑफ हो जाता है चलो तो आपका भाई है ना परेशान हो रहा है तो बस जी बच्चों को लिया स्कूल से फिर हम चले गए मीट शॉप पे यहाँ पे ये हमारे घर के पास ही है तो जैनब को यहाँ से चाहिए थे गोलगप्पे वो आज बना रही है बड़े दिनों की मेरे पीछे पड़ी हुई थी मैं कहा चलो ले लो और बना लो तो ये देखें जी यहाँ पे ये पराते ये कनालियाँ पता नहीं कि इन्होंने डिशा के ना जो पईया ने जो बाजी लेके गई थी तो मेरा भी दिल किया कि मैं यहाँ से एक ले लूँ उसमें मैं आटा गूंद लूँ फिर मैंने कहा नहीं इसमें तो बिरयानी भी अच्छी लगेगी पर फिर मैंने नहीं ली क्योंकि मैं की करनी है साढ़े घर के इन्ने भांडे ने रखने की जगह नहीं है पहले ही मैं उनको संभालती फिरती हूँ तो और भी बड़ी चीज़ें हैं जाएँ और आप भी जाके वहाँ पर विजिट करें जो तुम इतों खरीदनी आने तो खरीद लेना बड़िया पईया अजय यहाँ पर मैंने रखी है मूंगी मसरों की दाल और ये मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट ये मैं एजडा से लेके आती हूँ और ये है जी नमक मिर्च हल्दी सिनेमन स्टिक मोटी इलायची थोड़ी सी दड़ा मिर्च है तो ये मसाले सारे आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें मैंने तो क्वार्टर क्वार्टर टीस्पून जो है ना वो ऐड की है तो ये चलेगी सारी नमक मिर्च मसाले इसके अंदर और यहाँ पे ये तीन टमाटर हैं इनको कट करके हम इनके अंदर डालेंगे और जब ये पक जाएंगे तो फिर इनका छिलका हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे भी हमने निकाले चावल बस थोड़े ही बनाऊंगी क्योंकि फिर कोई खाता नहीं है ये वाले ग्लास ये देखें ये वाले ग्लास में निकालती होती हूँ ये एजडा से मिलते हैं ये मेरे बच्चों के थे जब ये छोटे थे ना तो ये मैंने फेंके नहीं ये मैं आटा दालें चावल उनके लिए रखे हुए हैं तो ये देखें जी दाल में सारा कुछ हमने डाल दिया नमक मिर्च हल्दी सिनेमन स्टिक दालचीनी अदरक लहसुन और तीन टमाटर कट करके तो बस अब जैसे ये थोड़ा उबलना शुरू होगी ना तो फिर मैं इसको हल्की आग पे रख दूंगी ये जो आपको जगमगाता हुआ जोड़ा नजर आ रहा है ये हमें भेजा है जी इंस्टाग्राम पे महानूर कलेक्शन ने आईडी उनकी जो है मैं मेंशन करूंगी बहुत ही जबरदस्त इनकी कलेक्शन है और जो है ये स्टिचिंग भी करवा के देती है इनसे आप अनस्टिच फैब्रिक भी बाय कर सकते हैं और ये हर जगह पे सूट जो है बना के पोस्ट कर सकती है ओवरऑल जो है यूके में यूरोप में यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया इंडिया पाकिस्तान तक जो है ना इनके कपड़े जाते हैं तो ये उन्होंने मुझे भेजा सूट जो कि आज मैंने पहना हुआ है बड़ा ही अच्छा और बड़ा जबरदस्त लगा है अगर आपने इसके बारे में और डिटेल आपको चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम पे मैं अभी लाइव थी तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं और एक जोड़ा उन्होंने मुझे एक और भेजा है ये देखें ये उसका दुपट्टा है और ऑर्गेन्जा का बड़ा ही प्यारा और जो है ये शर्ट है ये देखें ये शर्ट है लाइनिंग लगी हुई है और डिजाइन देखें आप जबरदस्त है ये बाजुओं पे बटन लगे हुए हैं और फिर ये साइड पे भी ये देखें ये साइड पे सारे और ये इस तरह से ये देखें यू और ये है इसका जो है दामन और बहुत ही जो है सफाई से सिले हुए हैं तो इनसे अगर आपने कपड़े ऑर्डर करवाने हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा सब्र होना चाहिए क्योंकि 2 से 3 वीक लगेंगे जब आप ऑर्डर करेंगे तो आप अपना साइज देंगे तो फिर ये कपड़े सारे पाकिस्तान से तैयार होके यहाँ पे आते हैं तो आईडी मेंशन करूंगी जरूर विजिट कीजिएगा जज़ाकअल्लाह खैर अल्लाह हाफिज तो ये देखें जी ये हमारी मूंगी मसरों की दाल तैयार तड़का लग चुका है और ये जी साथ में हमने ये देखें ये बनाए हुए हैं उबले चावल चावल का दम बन किया और ये हमारी मूंगी मसरों की जबरदस्त सी दाल या देखो बटरो बटरी तो साथ में खाएंगे किचन इट्स वालों का अचार ज़ैनब बना रही है जी आज गोलगप्पे उसके व्लॉग में आएंगे तो मैं तो खाऊंगी खाना क्योंकि मुझे लगी हुई है भूख और मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही थी दाल चावल तो मैंने आज अपने लिए ही बनाया बिस्मिल्ला ये देखें चावल किसी ने भी लिखा सी तुसी जिन्नी बिरयानी एक बारी प्लेट विच पाइए ना नहीं तो मैं तीसरी बारी विच खांदी कितनी तो ना मैं तीसरी बारी में खाती हूँ भाई मैं क्या करूँ मुझे भूख कितनी ही लगती है मेरा चम्मच कितने गया सालन वाला ये है ठहर जो ये मेरा दाल वाला चम्मच बिस्मिल्लाह मैं कहती हूँ जो मजा दाल में है वो किसी चीज में नहीं
बड़े दिन हो गए सन, मैंने कहा आज मैं खा लूं, तो बना लूं और खा लूं। जिस चीज का दिल करे ना, वैसे कमाल की गल नहीं, वो तुम आप ही बनानी पैंदी है, है ना। दाल का दिल करे तो दाल आपको खुद बनानी पड़ती है। तो ये हो गए मेरे दाल चावल, अब मैं इनके साथ डालूंगी किचन इट्स वालों का चार, फिर आपको दिखाती हूँ मैं अपनी प्लेट। ठहर जाओ, चार ले आओ। ये है जी किचन इट्स वालों का अचार, और इसके अंदर पता क्या क्या है, गाजरे हैं, हरी मिर्चे हैं, चने हैं, लहसुन है, लसूड़े हैं और करेले हैं, आम है, बड़ा कुछ जे दे विच। मैं कहंदी हां पूछो ही कुछ ना, नींबू भी है गए जे, मुंह में पानी आ जाता। और करेले इतने मजे के है ना जिसकी कोई हद नहीं। ते देखो चंगी तरह तेल निचोड़ के बिस्मिल्ला। चलो भाई गाजरो, आज मैं ना आम खाऊंगी, आम। चलो आप ही, और एक हरी मिर्च ऐसे, और क्या, हाँ रसूड़ा भी डाल लेते। ये हमारा हो गया अचार। ये देखो ये ना मैंने इसमें डाला हुआ शक्कर वाली बोतल में डाल दिया था, तेल डालना था, तेल गरम करके फिर ठंडा करके फिर इसके अंदर डाला था हमने। जरा भी रखना उधर। तो चलिए मैं आपको अपनी प्लेट दिखाऊं, देखिए मैं कितना खाना खाती हूँ। ये देखें जी हमारी प्लेट, साथ में किचन इट्स वालों का अचार, बस इतना की चस्का जो है ना बहुत है जिंदगी में। तो आईडी मेंशन करूंगी मैं किचन इट्स की फिर से, तो आप उनसे ऑर्डर करें, अगर कोई पाकिस्तान गया हुआ है तो उनसे आप अचार मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये है मेरा खाना, मैं अब बैठ के खाऊंगी आराम से खाना। सुबह की दौड़ भज कर करके काम कर करके आज मत बज गई है, तो आज मैंने अपनी पसंद का फूड बनाया है। तो बच्चे तो बना रहे ने गोल गप्पे, वो खाएंगे बस, हर कोई चस्के लगाने के चक्कर में। तो चलें जी, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपको किसी और व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, जज़ाकअल्लाह खैर। और मेरी इस दाल चावल की प्लेट और अचार के साथ आप सबको अल्लाह हाफिज। मैं आई हूँ जी वसीम को हॉस्पिटल से पिक करने, तो तबीयत उनकी बस नहीं थी ठीक, तो वो डायलिसिस नहीं पूरा किया उन्होंने, तो एम्बुलेंस का वेट भी नहीं करना, तो बस मैं अब आई हूँ उनको पिक करने के लिए। तो बस जब मैं वसीम को लेने गई तो तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब थी, उनके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द थी और आँखों में, तो बस फिर भी शुक्र है खुदा की ज़ात का कि यहाँ पे वसीम का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत सारों से बेहतर है, तो बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। तो चलें जी, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपको किसी और दिन किसी और व्लॉग में। इजाज़त दें, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।